हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में जो है दिन की पहली ट्रेड ले ली गई है। पुट साइड में मेरा व्यू है आज डाउन साइड का। बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो है हमने यहाँ पे हमारी ट्रेड ली है। रिजेक्शंस ले रहा था मार्केट अपने रेजिस्टेंस से। ये जो रेजिस्टेंस है ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ कितना इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे इसने बनाया हुआ है। वहीं से ही मार्केट जो है वो बार बार रिजेक्शंस ले रहा है, इसीलिए डाउन साइड का ही जो व्यू है वो मेरा है। प्लस आरबीआई की आज जो है न्यूज़ भी आने वाली है, तो उसके बारे में भी जो है मेरा डाउनसाइड का ही व्यू होने वाला है। रिजेक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मार्केट ले रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट भी हो गया है। और ट्रेड्स अगर मुझे मिलती हैं तो आप देख सकते हैं अभी जो है मैंने एक और ट्रेड ली है जिसमें अभी हमारा जो है 3,000 के लगभग का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये जो ट्रेड है ये भी डाउनसाइड की ही है, मेरी ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया था, यही देखते हुए मैंने मेरी ट्रेड ली है। स्टॉप लॉस जो है वो भी ट्रेलिंग के काफ़ी अच्छे अच्छे मौके मिले हैं यहाँ पे। आगे मुझे मौका मिलता रहेगा तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करती रहूँगी, वरना मैं अपने जो है टारगेट्स का वेट करने वाली हूँ। यहाँ पर आपको भी यही करना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है बार बार ट्रेल करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग आज जो है 7,400 रुपये का हमारा आज प्रॉफिट हुआ है। काफ़ी सारी ट्रेड्स आज हो गई हैं, लेकिन अगर आप देखें तो फिर हमारे जो लॉसेस हैं वो हमारे ज़्यादा नहीं हैं, मिनिमम ही लॉस है और हमारे प्रॉफिट जो हैं वो हमने ज़्यादा रखे हैं। कहीं कहीं हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कहीं पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन ऑल ओवर जो दिन था वो ओके ओके ही था, कुछ खास आज दिन नहीं था। तो देख लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, ये देख लीजिए। मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छे से इस लेवल पे से रिजेक्शंस ले रहा है। प्लस मार्केट जो है वो आप देखें तो फिर ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन इसने एक बनाया हुआ है, यहाँ से काफ़ी बार इसने सपोर्ट भी लिया है, रेजिस्टेंस भी लिया है। पिछले मार्केट में भी आप देख सकते हैं काफ़ी बार यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहीं से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, यहीं पर ही मेरी पहली ट्रेड थी और छोटा सा स्टॉप लॉस जो है वो मेरा हिट हो गया था 700 रुपये का, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया भी है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी ट्रेड मिली थी, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ये जो जोन है यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था। जब भी मैंने एक और ट्रेड ली थी ये भी मैंने आपको दिखाई है, आपने देखा होगा पहले वीडियो में, और उसके बाद देखिए काफ़ी अच्छी जो है हमें एक डाउनफॉल देखने को मिली। ये देखिए ये वाली जो एक कैंडल बनी है, ये कैंडल ऐसी क्यों बनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया आरबीआई का जो है एक रिज़ल्ट आया है, उसी वजह से देख लीजिए आज आप मार्केट में कितनी अच्छी एक फॉल आई। तो अब देख लेते हैं कि कितने पॉइंट्स की ये फॉल आई है, ये मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है पूरे 1000 पॉइंट्स की हमें एक अच्छी डाउनफॉल देखने को मिली है। तो उम्मीद है आज आप लोगों ने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए होंगे, क्योंकि आज जो है मार्केट का व्यू जो है वो डाउन साइड का ही था। प्लस हमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी एंट्रीज़ भी मिली है, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट नहीं कर पाई क्योंकि आज पूरा दिन ही स्कैल्पिंग का था, बार बार जो है हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ रहा था, तो फिर उस वजह से मैं आपको नहीं बता पाई। जितनी देर में बताती उतनी देर में स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो इसलिए मैंने ही स्कैल्पिंग ही की है और इसी वजह से मैंने आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट नहीं किया। उम्मीद है काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।